हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और आप क्लास टेंथ अब पास होने वाले हैं या हो चुके हैं और अब सोच रहे हैं कि कॉमर्स चूज कर ले तो क्यों चूज कर ले भाई, किस लिए चूज कर ले, यही बात मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट रीजन। फर्स्ट रीजन क्या है? पहला रीजन है कंपेरेटिवली ईजी। कॉमर्स की यदि हम बात करें तो कंपेरेटिवली इजी है, यानी कि पीसीएम और पीसीबी से यदि आप कंपेयर करेंगे तो कॉमर्स जो है वो इजी सब्जेक्ट है। अब इसमें बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी बहस हो सकती है, अपने अपने आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, लेकिन देखें कंक्लूजन मिलाकर यही है कि कॉमर्स जो है पीसीएम और पीसीबी से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इनसे यदि कंपेयर करें तो इजी सब्जेक्ट है। यदि आप एक बहुत ज़्यादा यदि आपका फिजिक्स साइंस वगैरह अच्छा नहीं रहा हो टेंथ में, तब तो आपको चूज़ कर ही लेना चाहिए, तब तो उधर साइंस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट रीज़न। नेक्स्ट यदि रीज़न की बात करें, नेक्स्ट रीज़न है मोर प्रैक्टिकल और वी कैन से इट इज़ रिलेटेड टू डे लाइफ। कॉमर्स जो सब्जेक्ट है इसमें आप वो चीज़ें पढ़ेंगे जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। आप यदि जैसे आप बात करें, आप साइंस की बात करें तो उसमें नाना क्या क्या चीज़ें पढ़ना पड़ती है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ना पड़ती है जो पता भी नहीं होती, जो पढ़ाने वाले को तक को पता नहीं होती कि किस लिए पढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप अल्फा बीटा गामा, मुझे तो नहीं पता किस काम के लिए होती है, लेकिन कॉमर्स में आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो बिल्कुल डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं। ऐसी कोई चीज़ मिलेगी ही नहीं कि उसका पता ही नहीं हो कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो बड़ा ही कहें कि आपको ऑलवेज ऐसा लगेगा कि हमने वही चीज़ें पढ़ी है जो हम लाइफ में जी रहे हैं, वही चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा डे टू डे वाला सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा किसी चीज़ की गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। हम जो है बिल्कुल यूजुअल चीज़ें पढ़ते हैं। जब आप जब आप मैच्योर हो जाएंगे और थोड़े बड़े आप जब हो जाएंगे तो आपको देख लगेगा कि आपने वही चीज़ें पढ़ी है जो चीज़ें आप आमतौर पर मार्केट में देख रहे हैं, आमतौर पर आप देख रहे हैं वही चीज़ें आपको देखने को मिलती है। किसी बहुत ज़्यादा डेप्थ में ये सब्जेक्ट नहीं जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि आप बात करेंगे करियर ऑप्शंस की, तो करियर ऑप्शंस में यदि आप बात करें जो साइंस के जो मेन करियर ऑप्शंस है, यानी कि इंजीनियरिंग की यदि आप बात कर लें या डॉक्टर की यदि आप बात कर लें, तो ये चीज़ें आपके लिए नहीं है। लेकिन इसके अलावा मैक्सिमम जितने भी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें आप भी एंट्री कर सकते हैं, साइंस वाला भी एंट्री कर सकता है। हाँ, लेकिन फिर भी अपने खुद के कुछ स्पेसिफिक ऑप्शन ज़रूर है। जैसे कि यदि आप बात करें सीए, तो जो है वो कॉमर्स वाला ही कर सकता है, दूसरा कोई एंट्री ले भी ले लेकिन वो इतने अच्छे से कर नहीं पाएगा। सी ए हुआ या सी एस हुआ, ये बिल्कुल कॉमर्स वालों के लिए ही ये ऑप्शंस हैं। लेकिन यदि आप बात करें मैनेजमेंट के लिए बात करें, तो मैनेजमेंट कॉमर्स का ही एक पार्ट होता है। तो यदि एमबीए कर तो और भी कोई सकता है, लेकिन कॉमर्स वालों के लिए वो ज़्यादा सूटेबल है। आप बात करें बैंकिंग की, तो बैंकिंग जो है वो कॉमर्स का ही एक पार्ट होता है। तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट वाला एंट्री कर सकता है, लेकिन कॉमर्स वालों के लिए ज़्यादा सूटेबल ऑप्शंस हैं। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो कि कॉमर्स वालों के लिए अवेलेबल है। जैसे यदि आप बात करें शेयर मार्केट में, आप एंट्री कर सकते हैं। अब शेयर मार्केट में एंट्री कोई भी कर सकता है, ट्रेड कोई भी कर सकता है, शेयर कोई भी परचेस कर सकता है, शेयर मार्केट में कोई भी काम कर सकता है, लेकिन कॉमर्स वालों के लिए वो सूटेबल फील्ड है क्योंकि उसे बेसिक चीज़ों का नॉलेज होता है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट है ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। कॉमर्स में मेन सब्जेक्ट में यदि बात करें तो यूजुअली क्या इंटीग्रल पार्ट है अकाउंट्स, तो अकाउंट्स, फिर आपका वो बिजनेस स्टडी, फिर इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। यूजुअली ये चार सब्जेक्ट जो है कंपलसरी आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आप आईपी है, पीई है, सीएस है, आप कई स्कूलों में हिंदी भी होता है। इसके अलावा यदि आप बात करें तो इसमें आप अप्लाइड मैथ्स भी चूज़ कर सकते हैं। अप्लाइड मैथ्स बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है, पिछले साल से ही स्टार्ट हुआ है। अप्लाइड मैथ्स चूज़ करने के अपने आप में बहुत सारे अलग फ़ायदे फ़ायदे क्यों हैं? फ़ायदे इसलिए हैं कि देखिए, भले कोई भी स्टूडेंट हुआ, एक एवरेज स्टूडेंट ट्वेल्थ के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करता है, और वहाँ उसको पढ़ना पड़ता है रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और जीके। और जो वो मैथ्स वहाँ पढ़ता है ना, वो मैथ्स वही है जो अप्लाइड मैथ्स है, तो इसका काफ़ी इसको एडवांटेज फ्यूचर में उसको मिलेगा। और दूसरी बात यह भी है कि उसको आप मैथ्स से, कोर मैथ्स से बात करें तो कोर मैथ्स की से कंपेयर में इतना टफ नहीं है, थोड़ा उससे इजी पड़ता है पढ़ने में। तो ये चार बड़े रीज़न थे व्हाई शुड यू चूज कॉमर्स।